हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 10.4। हम पढ़ रहे थे इस एक्सरसाइज का, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिया था। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इन ऊपर आई बटन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड दोस्तों, क्लास 7 मैथ का प्लेलिस्ट भी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एंड मेरे अदर चैनल्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है कि कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का मिश्रधन 700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या क्या दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। देखिए, इसमें प्रतिशत में दिया गया है। हम लोगों को पता है कि जो भी प्रतिशत में दिया गया होता है वो क्या होता है, दर होता है। तो दर यहाँ पर दिया गया है 5%। दर कितना है, 5% है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का मिश्रधन, 600 रुपये का मिश्रधन, यानी कि मूलधन आपका दिया गया है 600 रुपया। मूलधन 600 रुपया है और मिश्रधन है 700। मिश्रधन कितना है, 700 रुपया दिया गया है। और हमें इसमें निकालना क्या है, समय, क्योंकि इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कितने वर्षों में, तो वर्ष यानी कि क्या निकालना है, समय निकालना है। वर्ष में क्या होता है, वर्ष महीने, इन सब में समय निकाला जाता है। यहाँ पर पूछा है कि कितने वर्षों में, तो यहाँ पर हमें समय निकालना है। और यहाँ पर ये भी देखिए कि इसमें ब्याज नहीं दिया गया है, ब्याज इसमें नहीं दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समय निकालने का सूत्र क्या होता है। वैसे मैंने सारा फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो समय का सूत्र होता है, समय का फॉर्मूला, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ये होता है फॉर्मूला समय निकालने का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मूले में ब्याज भी दिया गया है, तो ब्याज यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, तो ब्याज हमें निकालना है। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ये फॉर्मूला है ब्याज निकालने का। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो मिश्रधन यहाँ पर दिया गया है 700 में से हम मूलधन को माइनस करेंगे, मूलधन में 600। तो आपका ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 100 रुपया। अब हम आसानी से समय निकाल सकते हैं, तो समय का फॉर्मूला मैंने वहां पर लिख दिया है, तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले से समय निकालेंगे। समय बराबर ब्याज, ब्याज कितना आया है, 100 रुपया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, ब्याज की जगह पे हमने 100 लिखा, और यहाँ पर ये 100 है तो 100 लिखेंगे। ठीक है, और नीचे मूलधन गुणा दर, मूलधन कितना है, 600 रुपया है, मूलधन 600 रुपया, और दर कितना है, 5%, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब सबको डिवाइड करेंगे, देखिए ये 2 जीरो और ये वाला 2 जीरो कट गया, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10, ये 20 हो गया, ये वाला 20 हो गया। और फिर इसको हम अब 2 से करते हैं, 2 × 6 = 20, तो 10/3 आया। तो समय कितना आया था, 10/3, 10 में अब हम 3 से भाग देंगे, 10 में 3 से भाग देंगे, यहाँ पर देते हैं, तो 3 × 9, 10 में से 9 गया 1, तो 3 × 1/3 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। देखिए, अफल जो होता है उसको हम पूर्णांक में लिखते हैं, जो शेषफल होता है उसको हम ऊपर अंश के रूप में लिखते हैं, और जो भाजक होता है उसको हम नीचे लिखते हैं हर के रूप में। 3 × 1/3, तो आपका आंसर हो गया 3 × 1/3 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर, ये वाला हो गया आपका आंसर 3 × 1/3। तो ये 6 नंबर का आंसर हो गया 3 × 1/3। हमने समय निकाल लिया, पहले ब्याज निकाला, ब्याज निकालने के बाद हमने समय निकाल लिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, कितने समय में 6.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। तो इसमें जो जो पहले दिया गया पहले हम उसको लिखेंगे।
सेवन नंबर देखकर लिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, कितने समय में, कितने समय में, यहाँ पर भी हमें समय निकालना है। तो छह पूर्णांक एक बटे दो प्रतिशत, ये आपका दर दिया गया है, छह पूर्णांक एक बटा दो प्रतिशत, ये आपका दर यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या है कि छह पूर्णांक एक बटे दो प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। तो हमें ना मिश्रधन मालूम है और ना ही मूलधन मालूम है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि मूलधन को मान लेते हैं पी, मूलधन को हम पी मान लेते हैं, ठीक है। मूलधन को हम किसे सूचित करते हैं, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, एंड इसको हम सूचित करते हैं पी से, मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं। तो मूलधन को हमने पी मान लिया, मिश्रधन भी हमें मालूम नहीं है, तो मूलधन को हमने पी मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज की दर से कोई धन यानी कि जितना मूलधन है उसे दोगुना हो जाएगा। तो किसके बारे में कह रहा है, मिश्रधन के बारे में कह रहा है कि ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा। तो जब मूलधन हमें पी माना है तो मिश्रधन हम क्या मानेंगे, मिश्रधन हम मानेंगे टू पी, ठीक है। अब देखिए ब्याज भी नहीं दिया गया है, तो ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, 2p है, मूलधन कितना है, p है, 2p में से p माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2p में से p को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, जैसे कि देखिए 2p है, 2p आपके पास है, उसमें से 1p माइनस हो जाएगा, दो में से एक जाएगा कितना होगा, एक, एक पी बचेगा, 2p में से 1p माइनस हो जाएगा तो 1p बचेगा। तो वैसे 2p में से ये यहाँ पर p अकेला लिखा है, इसका मतलब है कि ये 1p है, ठीक है। तो 2p में से 1p माइनस हो गया तो यहाँ पर p बच जाएगा। ब्याज आपका आ गया p। अब देखिए समय निकालने का क्या सूत्र होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, समय निकालने का सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, ये होता है समय निकालने का फॉर्मूला। तो इससे हम अब इसको जो जो यहाँ पर दिया गया उसको हम लिखेंगे। तो ब्याज यहाँ पर पी हमने निकाला है, तो ब्याज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ब्याज की जगह पे पी लिखेंगे। हमें क्या निकालना है, समय, समय। हमें निकालना है समय, ब्याज की जगह पे हम पी लिखेंगे क्योंकि हमने ब्याज यहाँ पे निकाला है पी। तो ब्याज की जगह पे पी गुना 100 बटा मूलधन, क्या हमने माना था, मूलधन हमने पी माना था, मूलधन भी हमने पी माना था। और दर क्या है, दर यहाँ पर दिया गया है 6 पूर्णांक 1 बटा 2। देखिए यहाँ पर हम इसको, हमें करना क्या था, ये पूर्णांक भी दिया गया तो हम इसको सिंपल भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 गुना 6 करेंगे, 2 गुना 6, 2 6 के 12 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, 13 बटा 2 प्रतिशत ये हो गया। तो दर आपका आ गया 13 बटा 2 प्रतिशत। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, 13 बटा 2 प्रतिशत में लिखना है, तो 13 बटा 2 प्रतिशत में लिख लिया। इसको आप फिर से समझिए, ब्याज हमने यहाँ पर निकाला था पी, ब्याज हमारा निकला था पी, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। और फॉर्मूले में 100 यहाँ पर दिया गया है, तो वही वाला 100 हमने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर देखिए मूलधन हमें पी माना था, अब ये नहीं कि ये दोनों पी एक ही है, ब्याज पी हमने बाद में निकाला था और मूलधन पी हमने माना था, तो इसमें ना ब्याज दिया गया था ना मूलधन और ना ही मिश्रधन, तो इसीलिए हमें इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना पड़ा। तो यहाँ पर दर आपका 13/2 है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, देखिए पी गुना 100 है, ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, जब हम 13/2 को यहाँ पर इस फॉर्म में लिख रहे हैं इस तरह से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 चला जाएगा यहाँ पे और 13 यहीं पे नीचे ही रह जाएगा। तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है, और नीचे क्या बच गया, पी गुना 13, बस यही बच गया नीचे। तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है सबको, तो पी और पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया 100 गुना 2 यानी 200 और नीचे 13, तो टोटल आपका बच गया 200/13। 100 गुना 2 करेंगे 200 होगा और नीचे 13 है, तो 200 में हम 13 से भाग देंगे, 200 में हम 13 से भाग देंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0,
और फिर 5 से करेंगे 13 पंचे, तो यहाँ पर जाएगा 13 पंचे 65 हो जाएगा और नीचे बचेगा यहाँ पे 5। यहाँ पे मैं फिर से देखिए 70 में से जब 65 माइनस करेंगे तो नीचे 5 आएगा, ठीक है, और ये 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। नीचे आपका शेष फल बच गया 5 और ये भागफल 15 और ये भाजक 13, तो आपका आंसर हो गया 15 पूर्णांक, यहाँ पर लिखती हूँ 15 पूर्णांक 5/13, ये शेषफल है जो कि ऊपर जाएगा और जो भाजक है वो नीचे आ जाएगा। तो 15 पूर्णांक 5/13 ये हो गया आपका आंसर। 15 पूर्णांक 5/13 क्या है? वर्ष है। 15 पूर्णांक 5/13 वर्ष, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर हमें निकाला था समय, तो हमने इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किया। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो गाइज, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट कर लिया है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखेंगे। एंड ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।